बर्तानिया के शहर मैनचेस्टर में कश्मीर डे के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात की भरपूर शिरकत। इस मौके पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के रहनुमा भी मौजूद थे। प्रोग्राम का इनेकाद पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में किया गया। पाकिस्तान कौंसलेट की जानब से डॉक्टर जहूर अहमद और मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट अफजल खान, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान ताहिर इकबाल चौधरी और आजाद जम्मू कश्मीर अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन, चौधरी नसर इकबाल, चौधरी मसरत अली, डॉक्टर यूनुस परवाज और लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर, कौंसलर नेमुल हसन, कौंसलर शौकत, कौंसलर बासित और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि हम सबको एक होकर कश्मीरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। प्रोग्राम में कश्मीरियों पर होने वाले मुजालम पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि कश्मीरी पीछे हटने वाले नहीं है और ये आजादी लेकर ही रहेंगे। मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि आजादी कश्मीरियों का हक है और ये उनको मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था कि मसला कश्मीर में हम सब एक हैं और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। कौंसल जनरल डॉक्टर जहूर अहमद ने शहदाए कश्मीर को हिराज तकसीम पेश किया।